For more Bollywood gossips, hit the bell icon and never miss an update from Movies Adda. Hello guys, this is Jyoti Nahak and welcome to Movies Adda. गोविंद नामदेव, जी हाँ, गोविंद नामदेव एक ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने हर बार अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है जिस भी फिल्म में उन्होंने काम किया है. लास्ट अगर एक हमने उन्हें देखा था सलमान के साथ, जब उन्होंने स्क्रीन स्पेस शेयर किया था सलमान के साथ, उन्हें लास्ट हमने काम करते देखा था वांटेड फिल्म में, जहां वो एक पुलिस ऑफिसर की भूमिका में नजर आए थे. एंड आई मस्ट से कि उस कैरेक्टर को, उस प्लॉट को ऑडियंस के थ्रू बहुत ज़्यादा प्यार मिला था. अब गोविंद नामदेव नया नाम जुड़ चुका है राधे की स्टारकास्ट में. जी हाँ, राधे में नजर आने वाले हैं, कॉप डीआईजी की भूमिका निभाते नजर आने वाले हैं गोविंद. और साथ ही साथ इस बारे में बात करते हुए उन्होंने ये बात कही कि सलमान खान एक ऐसे एक्टर हैं हु एवरी टाइम, जितनी भी बार उनके साथ काम करो, हु कम्स विद अ पॉजिटिविटी. सलमान हर बार एक पॉजिटिविटी लेकर अपने साथ आते हैं. किसी भी फिल्म के लिए वो बात करने आए या किसी भी फिल्म में उनके साथ काम करना हो, इट इज ऑलवेज अ प्लेजर. हाल ही में उन्होंने राधे साइन की है जहां पर वो सलमान के साथ नजर आएंगे, सलमान के ऑपोजिट नहीं बल्कि सलमान के साथ रोल प्ले करते नजर आएंगे डीआईजी का. और क्योंकि सलमान खुद भी एक कॉप की भूमिका निभा रहे हैं, तो यहाँ पर ये देखना होगा कि कॉप्स वर्सेस विलन्स किस तरह का एक कॉप ड्रामा होने वाला है ये राधे. और गोविंद ने तो ये कह दिया है कि सलमान खान कम्स विद अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी, सो डेफिनेटली वेटिंग कि राधे में और कितने स्टेलर स्टारकास्ट जुड़ती जाएगी, क्योंकि जितनी बड़ी स्टारकास्ट उतना ज्यादा ये फिल्म ऑडियंस को और ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है. तो कहीं ना कहीं ऑडियंस इज ईगली वेटिंग फॉर दिस फिल्म. आप लोग मुझे बताइए कि गोविंद के इस फिल्म से जुड़ने के बाद अब आप क्या कहना चाहेंगे, और साथ ही साथ राधे को लेकर और जितनी भी अपडेट्स आती रहेंगी मैं आपके पास लेकर आऊंगी. तब तक के लिए दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ.